हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 3 चूज़ की है तो हम पाइल 3 स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैंने ये अलग वीडियो बनाया है थर्ड पाइल का, क्योंकि वो दो पाइल के में ही बहुत ही लंबा वीडियो बन गया था, इसलिए थर्ड पाइल के लिए मैं अलग वीडियो बना रही हूँ गाइस। ओके, तो ये मैं यहाँ रख देती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि न्यू मून के बाद आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या बदलाव आया है, उनकी फीलिंग आपको लेकर क्या है। ओके, तो पाइल 3 जिस क्वेश्चन अभी चूज़ की है तो यूनिवर्स बताइए। पाइल 3 जिस क्वेश्चन अभी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए कि उनके पार्टनर की एनर्जी उनको लेकर न्यू मून के बाद क्या है। चलिए, एस ऑफ वांड्स, फोर ऑफ पेंटिकल। ओके, ये दो कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप, मैं थोड़ा ठीक कर लूँ गाइस। ओके, इस तरह से। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और फाइव ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास से टू ऑफ कप, दूसरे डेक से भी पहले देखेंगे गाइस। ओके, ट्रस्ट, अवेयरनेस, ओके, और कॉन्शियसनेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास से ट्रैवलिंग। ओके गाइस, तो गाइस आपके पार्टनर की फीलिंग न्यू मून के बाद थोड़ा बदलाव उनकी लाइफ में आ चुका है गाइस। किस तरह से आप देख सकते हो गाइस कि वो पहले बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान थे और पूरे दिन सिर्फ प्रैक्टिकल तरीके से अपना दिमाग लगाते हुए फाइनेंस के ऊपर ही ध्यान देते रहते थे, और सिर्फ उनको कुछ भी नहीं दिखता था, बस वो पूरे दिन अपने कैरियर के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में, फाइनेंस को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा सोचते थे और कुछ भी नहीं। लेकिन जब आप उनकी लाइफ में जब से आए हो, तब से आपके बारे में वो सोचना चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी तरफ से उनको बहुत ही अच्छी तरह से फीलिंग देते हो गाइस। ओके, वो उनको बहुत ही अच्छी लगती है और वो आपको लेकर सोचना नहीं भी चाहे, फिर भी उनके दिमाग में आपके थॉट आ जाते हैं और आपने उनकी लाइफ में एक जगह बना ली है गाइस। ओके, और अब उनके दिल में आप बस चुके हो, तो वो आपको निकालने की कोशिश कर भी रहे हैं, लेकिन बार बार आपके थॉट उनको आए जा रहे हैं। ओके, तो अब उनकी फीलिंग ये हो गई है गाइस, जस्ट वन मिनट, अब उनकी फीलिंग हो गई है नाइन ऑफ कप, और वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फीलिंग सोचना चाहते हैं। वो पहले प्रैक्टिकल थे, अब भी प्रैक्टिकल है गाइस, लेकिन अब उनके दिल में थोड़ी इमोशंस आपको लेकर आने लगे हैं। इस वजह से वो डर गए हैं कि मैं ज़्यादा इमोशंस आपको लेकर ना हो जाऊं। आपको लेकर उनके दिल में ज़्यादा इमोशंस बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से वो चिंतित हो रहे हैं, इस वजह से वो आपसे दूर हो रहे हैं और आपसे बहुत ही कम बात करते हैं या फिर आंसर ही नहीं देते हैं, क्योंकि ये सब उनको अच्छा नहीं लगता है। उनको बस यही चाहिए कि वो अपनी लाइफ में एक फाइनेंस को लेकर स्टेबल हो और पूरी दुनिया घूमे और एंजॉय करे, अपनी लाइफ पूरी तरह से एंजॉय करे, बहुत सारे देश देखे और घूमने फिरने में ही उनकी पूरी लाइफ निकल जाए। लेकिन आपने उनकी लाइफ में एक एंट्री लेकर उनको डरा दिया है। वो अभी आपको लेकर सोचना नहीं चाहते, फिर भी बार बार उनके दिलो दिमाग में आपके थॉट आ रहे हैं, इस वजह से अभी वो घबरा रहे हैं कि मैं आपको प्यार करने नहीं लग जाऊंगा। वो आपको प्यार करने लगे हैं गाइस, क्योंकि आपने उनके दिल में एक जगह बना ली है, इस वजह से वो अभी आपसे दूर हो रहे हैं।
और जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं जिससे वो आपके प्यार में ना पड़े और वो अपनी लाइफ में जिस तरह से खुश थे, जिस तरह से वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे, फ्रीडम तरीके से वो एंजॉय कर पाए, क्योंकि उनको अपनी फ्रीडम बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो अभी हाल फिलहाल आपने जो उनके दिलो दिमाग में एक जगह बना ली है और आपने उनकी लाइफ में एक जगह बनाते हुए उनको बैलेंस कर दिया है। अब आप उनको एक इमोशंस देते हो, वो उनको पसंद भी है, लेना भी चाहती है, लेकिन वो अपने इमोशंस आपको देना नहीं चाहते हैं और वो आपके साथ रूडली बिहेव करते हैं। ओके, तो वो आपके साथ जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हैं कि वो आपको लेकर फैसला ना ले पाए और आपसे दूर हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और जानबूझकर वो अवेयरनेस में आ गए हैं और जानबूझकर वो आपसे दूर हो रहे हैं, आपको मैसेज भी नहीं कर रहे, फ़ोन भी नहीं कर रहे, वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू स्टॉक भी करते हैं, आपकी पोस्ट भी देखते हैं, सब कुछ है, लेकिन वो अपने आप को अवेयरनेस में ला रहे हैं कि मुझे इस लड़का या लड़की मेल या फीमेल के नज़दीक नहीं जाना है, उससे बात नहीं करनी है, तो मैं उसको सोचना भी बंद कर दूंगा, उसके थॉट भी मेरे अंदर आते बंद हो जाएंगे और मैं उससे दूर होता चला जाऊंगा और उसकी लाइफ से निकल जाऊंगा। लेकिन वो कर नहीं पा रहे, इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, वो ये सब कुछ नहीं कर पा रहे, इस वजह से उनका ध्यान पूरा यही है कि मैं आपकी लाइफ में से किस तरह से निकल जाऊँ। लेकिन वो अभी कुछ भी कर नहीं पा रहे, अपने आप को मजबूर और फंसा हुआ महसूस कर पा रहे, और अब उनके दिल में आपको लेकर प्यार आ गया है, इस वजह से अब वो इगोस्टिक बन चुके हैं, अहंकार के तौर पर आपके साथ बात कर रहे हैं, जिससे आप उनको ब्लॉक करके चले जाओ या फिर आप उनके साथ कुछ झगड़ा करो तो वो आपको कुछ ना कुछ सुना दे और वो आपकी लाइफ से चले जाए। तो वो आपको जानबूझकर भड़का रहे हैं कि आप उनके ऊपर गुस्सा हो जाओ या फिर आप कुछ ऐसी गलती करो जिससे वो आपकी लाइफ से तुरंत दूर चले जाए। लेकिन आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्यार दे रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा उनको ऊपर ध्यान दे रहे हो, उनकी केयर कर रहे हो, उनको प्यार उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे रहे हो। तो वो कंफ्यूज हो रहे, डरे हुए है कि अब मैं क्या करूं, ये लड़का या लड़की तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते हैं और वो भी आपका साथ रहना चाहते हैं, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, उनका दिल यही कहता है कि मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता, पर लेकिन उनका दिमाग ये कहता है कि मैं ये लड़का या लड़की से दूर होना चाहता हूँ, लेकिन वो आपको छोड़ भी नहीं पा रहे और अपनी तरफ से जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हैं जिससे आप उनके ऊपर गुस्सा हो जाओ और आप उनकी लाइफ से चले जाओ। लेकिन आप तो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जिससे उनको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और ज़्यादा उनका स्ट्रेस हो रहा है कि ये लड़का या लड़की तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। उनको आपका प्यार चाहिए, वो लेना चाहते हैं, लेकिन वो आपको कुछ देना नहीं चाहते हैं। इनके दिल में आपको लेकर प्यार है, लेकिन वो प्यार जताना नहीं चाहते हैं। आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, केयर करते हो, इतनी अच्छी तरह से उनके ट्रीट करते हो कि वो आपको छोड़ नहीं पा रहे, और आप दोनों के रिश्ते को डिवाइन ने मिलाया है, आप दोनों डिवाइन की वजह से एक साथ हुए हो और डिवाइन ही ये रिश्ते को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है और वो अपनी लाइफ में इमोशंस की उनकी लाइफ में कुछ भी जगह नहीं है, तो डिवाइन ही ये सारे रिश्ते को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि इस बंदे या बंदी की लाइफ में कुछ भी इमोशंस नहीं है, तो इमोशंस होने चाहिए वरना आगे जाके वो फ्रस्ट्रेस महसूस कर सकता है। तो यूनिवर्स उनकी चिंता करते हुए उनकी लाइफ में आपको लेकर लाए हो, लेकिन ये सब उनको नहीं समझ में आ रहा है, उन्हें तो ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर मेरे गले पड़ गई है या गले पड़ गया है। ओके, तो आपको क्या करना है गाइस, न्यू मून के बाद उनकी एनर्जी में
यही बदलाव आया है गाइस कि वो आपसे दूर होना चाहते हैं और जानबूझकर ऐसा वो सब कुछ कर रहे हैं। तो आपको गुस्सा नहीं होना है, आपको बैलेंस में रहना है, आपको कुछ ऐसा नहीं कह देना है कि वो आपको ब्लॉक करके चले जाए, ओके। और आपको अपनी फीलिंगों को बैलेंस में रखना है। आप अभी तक जैसे चल रहे थे वैसे ही करना है। वो आपको मैसेज या फ़ोन नहीं करते हैं तो आपको बुरा नहीं मानना है, दुखी नहीं होना है, क्योंकि ये सब कुछ वो जानबूझकर कर रहे हैं। और आप दोनों के रिश्ते को यूनिवर्स संभाल रहा है, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखना है, बाकी सब कुछ यूनिवर्स संभाल लेगा, ओके। आपको उनकी लाइफ में कब कौन सा बदलाव लाना है वो यूनिवर्स देख लेगी। आपको अपनी तरफ से उनको लेकर पॉजिटिव रहना है। अभी तक आपको उनके ऊपर ट्रस्ट था, वो ट्रस्ट बरकरार रखना है और उनको लेकर कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है और उनको इमोशंस के साथ कुछ भी मतलब नहीं है। वो आपके पार्टनर बिल्कुल भी इमोशनल इंसान नहीं है। वो कभी भी किसी भी पर्सन के साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिताते हैं। उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलता ही रहता है वक्त वक्त के साथ। तो अब उनको ये सब कुछ की आदत पड़ गई है, इस वजह से वो अभी आपके साथ भी ज़्यादा वक्त नहीं बिताना चाहते और आपसे भी दूर हो जाना चाहते हैं। और वो उनकी एक यही पर्सनालिटी है कि वो कोई भी एक इंसान के साथ ज़्यादा वक्त तक नहीं रहते हैं, वो अपने फ्रेंड भी बदलते रहते हैं। तो उनका ये सब कुछ, उनको जो आदत पड़ गई है, वो आदत यूनिवर्स छुड़ाएगी। यूनिवर्स अलग अलग पड़ाव के ऊपर उनके लाइफ में बदलाव लाती रहेगी। आपको सिर्फ उनका इंतज़ार करना है, आपको उनके लेकर पॉजिटिव रहना है, उनको लेकर मेडिटेट करना है, आपको मेडिटेशन करना है, जिससे वो अंदर से हील होते रहे। आप जितना पॉजिटिव उनको लेकर रहेंगे वो अंदर से हील होते जाएंगे। आप जितना ज़्यादा उनको लेकर सोचोगे, उनके लिए मैनिफेस्टेशन करोगे, टेलीपैथी के ज़रिए उनके साथ बातें करोगे, तो वो अंदर से हील होते जाएंगे और उनके दिल में आपको लेकर फीलिंग बढ़ती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो वो फीलिंग एक वक्त के बाद ओवरफ्लो होगी और वो आपको अपनी फीलिंग बताएंगी, लेकिन उसमें कुछ वक्त लगेगा। तो आपको अपने धैर्य बनाए रखना है, ट्रस्ट बनाए रखना है, शांत रहना है, गुस्सा नहीं होना है। और आप में भी कुछ थोड़ा ईगो है, वो ईगो नहीं लाना है, घमंड नहीं लाना है और शांत रहना है, ओके। चलिए कुछ यहाँ से देख लेते हैं। मुझे लगता है मैंने जो समझाया है वो आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना है। तो क्राउडली, तो वो रिलेशनशिप से भागते हैं, उनको कोई भी रिलेशनशिप में नहीं रहना है। वो इमोशनल होना ही नहीं चाहते हैं, वो प्रैक्टिकल ही रहना चाहते हैं। तो वो हर एक रिलेशनशिप से भागते हैं आपके पार्टनर। तो डिवाइन उनकी फ़िक्र की वजह से, उनकी फ़िक्र कर रहा है, इस वजह से आप दोनों को मिलाया है। तो आप लविंग केयरिंग हो तो आपको ऐसे ही रहना है। आप उनके ऊपर जो ध्यान देते हो तो आपको ऐसे ही रहना है। आप उनको हील करते हो, आप उनको अच्छी अच्छी फीलिंग देकर, अच्छे अच्छे इमोशंस देकर उनको हील करते हो, ऐसे ही रहना है आपको, तभी वो इमोशनल होंगे, ओके। ले तो आए हो हम, ये सॉन्ग है गाइस, ओके। करेजियस, तो उन्हें ऐसा लगता है आप बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, जो उनको समझते हो। लेकिन अभी तक उनकी लाइफ में जो कोई भी पर्सन आया, जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया कि वो उनको छोड़कर चला गया। लेकिन आपने जो अपनी हिम्मत दिखाई है और अभी भी आप टिके हुए हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो मेरी लाइफ में अभी हाल फिलहाल के जो पर्सन आया ही, वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा करेजियस लगता है और वो मुझे ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं है। उन्हें पता चल गया है कि आप उनको छोड़ने वाले नहीं हो, डिपेंडेबल। तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके ऊपर डिपेंडेबल हो रहे हैं इमोशंस के ज़रिए, तो वो नहीं चाहते हैं कि वो आपके ऊपर डिपेंडेबल हो, तो इसलिए वो आपसे भाग रहे हैं, इमोशंस से भाग रहे हैं, जिससे वो
उससे दूर हो जाए और अपनी जो एक फ्रीडम लाइफ है उसमें फिर से बरकरार हो जाए, फिर से जीना स्टार्ट कर दे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। ओके, हम आप में कुछ हो गया, हम तुम पे मरते हैं, ये एक सॉन्ग है गाइस। ओके, और मैच्योर, उन्हें ऐसा लगता है आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो, इस वजह से आप इतना ज़्यादा उनको अंडरस्टैंड करते हो और बहुत ही ज़्यादा गाइस आप उनको बहुत ही ज़्यादा समझते हो। वो आपको कुछ भी नहीं देते हैं फिर भी आप बहुत कुछ उनको इमोशंस के थ्रू देते हो, ये बहुत ही बड़ी बात है। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो गाइस। ओके, और फनी, तो आप कभी कभी कुछ ऐसा बोल देते हो तो उनको हंसी भी छूट जाती है, वो खुश भी रहते हैं। इसका मतलब ये है गाइस कि आपने उनकी लाइफ में एक जगह बना ली है और आप उनको खुश भी रखते हो और उनकी लाइफ में खुशहाली आ गई है, हैप्पीनेस आ गई है। अब वो ये लाइफ छोड़ना भी नहीं चाहते हैं और छोड़ने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। ओके, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में सोचना है जिससे वो आपको छोड़कर नहीं चले जाए। ओके, आप मैच्योर हो, आप संभाल लोगे, मुझे पता है। आप उनको बहुत ही अच्छी तरह से समझते हो गाइस। ओके, चलिए यहाँ से यूनिसेक देख लेते हैं गाइस। ओके, तो 5 6 सी ये 0 हो, के 8 एच 1 4 क्यू डब्ल्यू ई डी। ओके, 18 भी हो सकता है गाइस। तो ये कुछ इनिशियल्स है, आप अपनी तरह से देख लीजिए कि क्या इससे रेजोनेट होता है। ओके, तो ध्रुव भी हो सकता है नाम, या फिर हिना भी हो सकता है, हार्दिक भी हो सकता है। ओके, तो आप देख लीजिए अपनी तरफ से। तो ये है आपके रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस।